रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज दिस इज द सबूफ तानी। सो आज जो है वो आप लोगों का सब्जेक्ट है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसलेशन स्किल। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, इसको हम कॉन्सेप्चुअली ही देखेंगे। और ये सिर्फ एक अजम्पशंस हैं कि ये टॉपिक्स ऐसे ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सिटीज में मुख्तलिफ हिसाब होते हैं, तो कुछ भी हम कह नहीं सकते। सो ये जस्ट एक अजम्पशंस है और आपके लिए गाइडलाइन है। अगर हम देखें तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। सो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके करेक्टरिस्टिक्स का भी पता होना चाहिए आपको कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है। अगर हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन टॉपिक को देखें तो फर्स्ट हेडिंग है कल्चर डाइवर्सिटी इन सिम्बॉलिक मीन। बेसिकली क्रॉस कल्चर ही है, इसमें डाइवर्सिटी में क्या आ जाएगा, जो आपकी जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है उसमें एक्टिविटीज़ है ये स्टूडेंट्स को दी जाएगी कि अगर नंबर्स, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड कलर्स के अगर एक कंट्री में, फॉर एग्जांपल एनिमल्स के लिए, अगर एक कंट्री में काऊ है और उसको ईरान में मीट और मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर काऊस को अगर हम इंडिया में देखें तो उसको जो है वर्शिप किया जाता है। सो बिजनेस इज नोन एज क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन और कल्चर डाइवर्सिटी इन सिम्बॉलिक मीन। इसी तरह नंबर हैं, अगर हम 13 नंबर को देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो 13 नंबर है उसको बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। आपको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें नंबर 13 फ्लोर्स, नंबर 13 किस बिल्डिंग में नंबर फ्लोर 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होगा। कोई प्लेटफॉर्म नहीं आपको मिलेगा, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स और एयरपोर्ट्स। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में हमने ऐसी कंट्री को देखना है जिसमें 13 नंबर जो है वो लकी समझा जाता है। दिस इज नोन एज कल्चर डाइवर्सिटी इन सिम्बॉलिक मीन। इसके प्रॉपर नोट्स आपको मिल सकते हैं, अगर आप लोगों को इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए कल्चर डाइवर्सिटी इन सिम्बॉलिक मीन के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो अपलोड कर दूँगी। मतलब कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अपलोड नहीं हो सकती। तो जो भी आप टॉपिक कहेंगे वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसके नोट्स मिल जाएंगे। यूटिलाइजेशन ऑनलाइन सोर्सेज, इसमें क्या आ जाएगा कि हमने देखना है कि ऑनलाइन सोर्सेज हमने देखने कि वोकैबुलरी के या क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी में बेसिकली कल्चरल विजडम क्या होता है, ये बेसिकली मुहावरे होते हैं। कल्चरल विजडम अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो कल्चरल विजडम क्या होता है कि जैसा कि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। सो ये क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ शेयर नॉलेज होती है, आइडियाज, थॉट्स, बिलीव्स, कॉन्सेप्ट, जो कि आपकी होल सोसाइटी की नॉर्म्स और ट्रेडिशंस को फॉलो कर रही होती है। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी ये, जैसे इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि ये मुहावरे होते हैं इस तरह के। नंबर जो 4 है, एक्सप्लोरेशन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस थ्रू टैगलाइंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो जो हमें आउटलाइन दी गई थी उसमें ये बात, उसमें जो चीज़ें थी वो ये थी कि अगर पाकिस्तानी बैंक्स हैं, बी बैंक या आप कोई भी बैंक ले लें, उनकी अगर आप टैगलाइन देखें, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो उसमें जो है इस्लामी टच होता है। अभी मुझे कोई याद नहीं आ रही कि उसमें जो है वो आपको इस्लाम मिलेगा, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हूँ कि इसमें कोई चीज़ हराम नहीं है। उनकी टैगलाइंस की बेसिक जो आप समझें तालीम होती है वो यही होती है कि हलाल है। सर्विंग यू द राइट वे, ये एक बैंक की टैगलाइन है, मुझे भी याद आई है। सर्विंग यू द राइट वे मीन्स कि इसमें कुछ गलत नहीं है, हराम नहीं है, मतलब इस्लामी टच मिलेगा। लेकिन अगर हम फॉरेन बैंक को देखें तो उनकी टैगलाइन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। सो ये होता है कल्चरल डिफरेंसेस थ्रू टैगलाइंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कल्चरल अडाप्टेशन क्या होता है कि जब भी आप किसी न्यू कंट्री में मूव करें तो आप उसको उसी कंट्री के मुताबिक अपने आप को जो है अडाप्ट करने की कोशिश करेंगे।
कि अगर आप यहाँ से किसी फॉरेन कंट्री में मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जो हैं वहाँ पे जाके उनके कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ग्रीटिंग्स की बात कर लें अगर हम कल्चरल अडाप्टेशन में, तो अर्जेंटाइना जो है उसमें जो राइट चीक है उस पर किस की जाती है, जापान में देखा जाए तो वो बो होती है, आप बो होती है वो जैसे ग्रीटिंग्स करते हैं। नाइजेरिया में अगर हम देखें तो वो स्नैपिंग फिंगर्स हैंडशेक होता है, रशिया में एक फ्रेम हैंडशेक होता है, फ्रांस में किस ऑन ईच चीक होता है, पाकिस्तान में देखें तो अस्सलाम वालेकुम होता है। सो इट इज कल्चरल अडाप्टेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग माइंडसेट ऑफ बिहेवियर्स व्हेन मूविंग इनटू न्यू कल्चर। ठीक है, और इसकी एग्जांपल आ जाएगी इमिग्रेंट के जब भी आप किसी में मूव करते हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, ग्रीटिंग्स की आ जाती हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं कि अगर आपने किसी को कहा है हाउ गुड इज डैट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन किया है, बल्कि इसका सिंपली मीन होता है डैट्स गुड। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, लर्निंग वे टू गेट गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, अब स्ट्रेटजीज अगर क्या, अगर हम देखेंगे कल्चरल अडाप्टेशन के लिए स्ट्रेटजीज क्या होंगी, तो अपना माइंड ओपन रखें, आस्क क्वेश्चंस, मीट अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद होम, ट्राई समथिंग न्यू। आगे नंबर 6 जो है वो ट्रांसलेशन टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज है। बेसिकली आपको ट्रांसलेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए और फिर आपको बताना चाहिए कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है और ट्रांसलेशन की टाइप्स क्या होती हैं। ट्रांसलेशन की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक तो ये होती है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर सकते हैं और एक होती है लिटरेरी ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के आपने कुछ भी नहीं देखा वर्ड्स को कैसे टुगेदर में फ्रेज में सेंटेंस में, बस आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसकी कर देनी है। और लिटरेरी जो ट्रांसलेशन होती है उसमें क्या होता है, पोइम्स वगैरह आ जाते हैं, पोइम्स स्टोरीज और प्लेस, उसमें आपने कॉन्टेक्स्ट को देख के जो है वो ट्रांसलेशन करनी होती है, वर्ड टू वर्ड नहीं कर सकते आप। ठीक है, और ट्रांसलेशन टेक्निक्स क्या हैं कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स, इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स, ये आप देखेंगे डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स में बोरिंग, कैल, क्यू और लिटरल ट्रांसलेशन आ जाएगी। इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स में आ जाएंगे रिफॉर्मेशन, अडाप्टेशन एंड ट्रांसपोजिशन। राइट, सो ये फर्स्ट मॉड्यूल है, मैंने थोड़ी थोड़ी आपको एक्सप्लेन करने की चीज़ें कोशिश की हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, आई होप आपको समझ आई होगी। वीक टू देखा जाए तो ट्रांसलेशन ऑफ द टैग लाइन्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, सो इसमें उन्होंने क्या एक्टिविटी दी हुई थी कि अगर है कैंडी की बिस्किट की मिसाल देने कि कैंडी में वो मिठास, कैंडी में वो मिठास जो किसी और में कहा, सो इसको वो आप उर्दू में देंगे तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दिस इज बेसिकली ट्रांसलेशन ऑफ द टैगलाइन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। आपको टैगलाइन की भी डेफिनेशन आनी चाहिए और एडवर्टाइजमेंट की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, और ये तीनों आगे जो नीचे चीज़ें हैं, कोलैबोरेटिव ट्रांसलेशन, पीयर फीडबैक और रिवाइजिंग द ट्रांसलेशन एंड बैक ट्रांसलेशन। पीयर फीडबैक क्या होता है, कोलैबोरेटिव ट्रांसलेशन ये की बात है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं जो आपका पीयर कहते हैं क्लास फेलो को, आपका जो जो भी आपकी फील्ड है उसमें वो आपके साथ हो, आप कोई क्लास फेलो हो सकता है, तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आप नए क्लास फेलो उसके साथ जो है उसको उनका फीडबैक लेने के लिए उनसे शेयर करते हैं, फिर आप डिस्कशन होते हैं, दिस इज़ बेसिकली पीयर फीडबैक। या अगर आप कोई रिसर्च में हैं और किसी भी फील्ड में हैं तो आप ही की फील्ड का बंदा और आप उसे कोई फीडबैक लेते हैं। रिवाइजिंग द ट्रांसलेशन मतलब कि ट्रांसलेशन को जो है वो दोबारा रिवाइज करना। बैक ट्रांसलेशन मतलब जो ट्रांसलेशन है, जैसे कि एक ऑप्शन होता है बैक ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश, तो इसको हम कहते हैं बैक ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन के कंप्लीट पेपर की गाइडलाइन है उसका जो लिंक, जो लेक्चर का लिंक है इनके फुल पेपर में, इसमें से मैंने 2 वीक्स कवर किए हैं, आगे भी कवर करूँगी इंशाल्लाह।
आपने हिस्ट्री और सिविलाइजेशन का फुल जो गाइडलाइन है वो उस लेक्चर में मिल जाएगी आपको। मैं लिंक उसको शेयर कर रही हूँ, आप देख लेना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।